हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम की चाय के साथ हो रही है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं शाम की चाय, और चाय थोड़ी सी निकल गई थी, यानी मैं थोड़ा सा ही कुछ लेने चली गई थी। हाँ, छली लेने चली गई थी, उतने में फन गई चाय। तो बस चाय यहाँ बन चुकी है शाम की, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए साथ में। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मेरे जो कपड़े सूख गए थे, कल वाले कपड़े थे, क्योंकि अभी कपड़े थोड़ा सूखने में टाइम ले रहे हैं ना, तो कल वाले जो कपड़े थे उसको मैंने उतार लिया है, और आज वाले जो कपड़े हैं वो मुझे भी धोने हैं, क्योंकि आज मैंने कपड़े शाम में धोए हैं। वो कल का ब्लॉग देखा होगा, आपको पता होगा कि कल मैंने जो है कहीं गई थी, तो इस वजह से मैं कपड़े वगैरह नहीं धो पाई थी। और वैसे भी श्राद्धों में क्या है ना, कपड़े जो है वो खाना निकालने के बाद ही धुलते हैं, यानी जब हम दोपहर का खाना निकाल देते हैं पितरों का, उसके बाद धुलते हैं, तो लेट हो जाती हूँ। और फिर कल बैंक गई थी, तो उस वजह से भी मैंने छोड़ दिए थे। तो आज शाम को ही मैंने, मतलब कल शाम को ही ये कपड़े धोए थे। और ये जो पहले हैं उनको मैं तय कर लगा के रख दूँगी कपड़ों को, और ये आए हैं अभी और आके सीधा नहाए हैं, अब ये चाय पियेंगे। क्योंकि जब चाय मैंने सिर्फ मम्मी पापा को दे दी थी, बाकी इनकी और मेरी रखी थी, क्योंकि ये आए सीधे और आ गए थे उस टाइम, मैंने चाय बनाई थी उस टाइम, बट आके ये नहाए हैं फिर। तो मैंने कहा तब तक मैं अपने कपड़े वगैरह तय कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम है, क्योंकि बहुत काम रह गया था, बर्तन भी रह गए थे और कपड़े वगैरह भी रह गए थे। तो बस यहाँ पर कपड़े तय करके मैंने रखे नहीं है, अपनी और इनकी चाय ले आई हूँ। और इनसे बस कल के बारे में पूछ रही थी कि ब्राह्मणों को जो है वो न्योता दे दिया आपने या नहीं दिया, क्योंकि बुधवार का श्राद्ध है घर पर, और क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कि मैं एक दिन पहले से ही तैयारी मुझे करनी होगी पूरी। मतलब बहुत सारा काम हो जाता है, जब पांच ब्राह्मण होंगे तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमारे यहाँ श्राद्ध काफ़ी मतलब ठीक ठाक से डाला जाता है। और इस वजह से तो मैंने आज ही इनसे बात करके पूछ रही थी, मैंने कहा क्या क्या बनेगा, क्या क्या सामान, इन्होंने कहा मुझे सामान लिखा देना, जो भी आना होगा वो आ जाएगा। तो बस इसी टाइम बैठ के, ये चाय के टाइम पर थोड़ी सी बातें हो पाती हैं, वरना तो क्या होता है ना कि मैं बच्चों के साथ या ये कभी होते भी हैं, कहे तो फ़ोन में रहते हैं या मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ। तो मैंने कहा अभी इसी टाइम बात मैं कर लेती हूँ क्या क्या बनेगा, क्या क्या सामान आएगा। तो बस मैं इनको सामान की लिस्ट भी दे दूँगी साथ के साथ अभी, तो ये आएंगे तो लेते आएंगे सामान। और अब मैं आ गई हूँ कमरे में, तो कमरे की हालत आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह के बिस्तर उठ रहे हों। तो जब मैं कल के वीडियो में आपने देखा होगा, मैं कह रही थी सारा फैला के रखा हुआ है, तो उसके बाद मैं तो फिर वीडियो एडिटिंग में लग गई थी, उसके बाद ही अब ये सारे काम मैं शुरू कर रही हूँ। तो बस कमरे की हालत आप देख लीजिए, तो राघव अपनी अम्मा के साथ मंदिर गया है, तो समझ लीजिए कि चार कपड़े इसने देखे हैं पहन पहन के, तब जाके एक कपड़े पहन के गया है, ये सारे फैला के डाल गया है। और सारे मतलब तीन चार टी शर्ट पड़ी थी, पूरा बेड इधर उधर, चादरा लेके खेलता रहता है, चादरा कहीं बांध लेगा और बस अपना घर बना के ऐसे करते रहेगा, तो ये पूरा घर फैला देता है। कृष्णा का ऐसा है कि अपनी पढ़ता वढ़ता है, तो वहाँ बुक बैग ये रहती है। तो बस मैंने कहा पहले अपने कमरे को सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन भी हो गए थे, चाय वाय के भी हो गए थे। मैंने खाने के तो खैर मैं साफ़ कर ही दे थे, लेकिन चाय वाय के बर्तन और बीच कुछ के जो खाने के रह जाते हैं वो बर्तन, वो सब भी मैं अभी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी मेरे कपड़े धुलने बाकी रहे। कपड़े मैंने सर्फ में डाल दिए हैं, गला दिए हैं, तो डेली के कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन में नहीं लगाती हूँ। वॉशिंग मशीन तभी लगाती हूँ जब ज़्यादा से कपड़े हो जाते हैं तभी, वरना डेली की डेली मैं हाथ से ही धो देती हूँ। तो यहाँ पे बस बर्तन साफ़ करने के बाद मैं सीधा जाऊँगी कपड़े धोने के लिए, और फिर बच्चों की फरमाइश है कि मम्मा सैंडविच बना देना, तो उनके लिए भी कुछ बनाना है। यानी शाम का टाइम भी ना पूरा बिजी रहता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, सुबह काम, शाम को काम, दोपहर को काम, जब भी देखो अब काम ही काम रहता है बस।
बस कपड़े धुल गए हैं और यहाँ पे मशीन में ड्राई करने के लिए डाल रही हूँ कपड़ों को। शाम का टाइम है, सूखेंगे भी नहीं और वैसे भी इन दिनों कपड़े काफ़ी टाइम लेते हैं सूखने में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविच। उसके लिए मैंने खीरा टमाटर वगैरह काट के रखे हैं और ब्रेड ले लिए हैं। ब्रेड मैंने लिए हैं ब्राउन वाले और उस पर लगा रही हूँ मैं यहाँ पे जो पिज्जा सॉस होती है वो, आप ये वाली सॉस भी लगा सकते हैं, टमाटो केचप जो होता है वो। तो पहले दो सैंडविच तैयार करूँगी, तो मैं पनीर वाला सैंडविच तैयार करूँगी आज। मैंने एक दिन पनीर बच रहा था, बच्चों को ऐसे ही दे दिया, उनको इतना अच्छा लगा कि बस मम्मा वही खाना है, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो मैंने दो ब्रेड पे लगा दी है पिज्जा सॉस, उसके बाद टमाटर रख देते हैं। जैसे भी आपको बच्चों को अगर टमाटर पसंद है टमाटर रख दीजिए, प्याज रख दीजिए, प्याज मैंने रखा नहीं है, और शिमला मिर्च रख दीजिए। तो मैंने खीरा रख दिया है और टमाटर रख दिया है, और ऊपर से मैं रखूँगी इस पर पनीर का पतला पतला सा स्लाइस, ये देखिए इस तरीके से। और काफ़ी पौष्टिक भी था, एक तो ब्रेड मैंने यहाँ पे लिया है आटे वाला, तो ये इतना नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पे पतले पतले स्लाइस करके आप ब्रेड पनीर की रख दीजिए, जैसा भी आपको लगाना चाहिए चाहते हैं वैसा। तो मैंने ये देखिए इस तरीके से रख दिया है, और ऊपर से मैं जो दूसरा वाला ब्रेड है उस पर मैं लगा रही हूँ मेयोनीज़। तो इस पर आप मेयोनीज़ की जगह घर की जो मलाई होती है ना, आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस वाले ब्रेड पे सॉस भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ लगा दी है, और इसके ऊपर से डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काली मिर्ची, तो ये डाल दूँगी। और उसके बाद में ऊपर से ढक देंगे इसको, और यहाँ ऊपर लगाएंगे इस पर मक्खन, बटर या घी आप जो भी लगाएं, क्योंकि सेकना है इसे हमें। तो यहाँ पे सेक, तवा गरम हो चुका है, मैंने इस तरीके से इस पे लगा दिया है। तो बस इसको सेक लेते हैं, और ऊपर जो हमने पलट के रखा था ना, तो ऊपर वाली साइड भी हम इसमें बटर या घी लगा देंगे, तो जिससे कि ये सेकने में अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगेगा बटर वगैरह से। अगर आप वैसे भी सेकना चाहते हैं, बटर वगैरह नहीं लगाना चाहते, तो ऐसे भी सेक जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पलट दिया, ऊपर से बहुत अच्छे से सेक गया है। दूसरी साइड भी देख ली पलट के, वो भी ठीक ठाक सिक गई है, उसको भी हम देख लेते हैं। फिर इसको बंद कर देते हैं, गैस को निकाल लेते हैं सैंडविच को। सैंडविच हो गया तैयार, बस इसको मैं थोड़ा सा कट करना है बीच में से सैंडविच वाली शेप में, ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना यमी यमी सा सैंडविच। आप भी बना के अपने बच्चों को खिलाइएगा, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए आप लोग भी बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कैसा लगा। मैं बच्चों को दे देती हूँ अभी। पता नहीं क्यों खराब हो रहा है, ठीक है मेरे पास बैठने को कुर्सी थी। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब करनी है मुझे खाने की तैयारी, खाना बनाना है। तो खाने में बना रही हूँ मैं आज आलू और बरी की सब्ज़ी, जो मूंग दाल बरी होती है ना उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पहले मैं बरी को भून लूँगी थोड़ा सा घी या तेल डाल के, घी में या तेल में किसी में भून लीजिए, और फिर उसको बनाइए तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ आप राघव को देख सकते हैं, राघव को थोड़ा सा जीभ लग रहा था, कह रहा था मम्मा मुझे आज इससे बुखार जैसा फील हो रहा है, तो इसीलिए वो बार बार देख रहे थे आप, गले लग रहा था। और इधर इसको ना क्या आदत पड़ गई है कि चाय भी या दूध भी कुछ भी पिए तो कहता मेरे पास बैठ जाओ तब मैं पीऊँगा, ऐसी आदत पड़ गई है इसको। तो बस यहाँ पे साथ के साथ में आलू भी छीलते जा रही हूँ, बातें भी करता जा रहा है, इसके छाले हो गए, या आपको छाले दिखा रहा है कि मेरे छाले हो गए इधर। तो यहाँ पे बरी भूनती जाऊँगी और साथ के साथ आलू भी छीलती जाऊँगी। सिंपल सा हमारे डिनर बनेगा, आलू बरी की सब्ज़ी और रोटी। आलू बरी की सब्ज़ी मेरे यहाँ घर में सबको पसंद है, बस बच्चों को छोड़ के, इसीलिए बच्चों ने सैंडविच बनवाए थे अपने लिए। और खाएंगे तो सुबह की मेरी दाल बनी थी, दाल चावल, तो वो भी थोड़े से रखे हैं तो वो खा लेंगे, बच्चों का ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे बरी भी मेरी भुन गई थी और आलू को काट के रखूँगी। यहाँ पे तेल गरम हो गया है, उसमें मैंने डाल दिया है हींग और जीरा, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी, धनिया और मिर्ची का पाउडर।
तो उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी इसमें ज़रूर करूँगी क्योंकि मसाले वैसे जल जाते हैं, अगर थोड़ा सा पानी कर दूँ ना तो ठीक रहता है, मसाले भूनने में सही रहते हैं। तो यहाँ पे हल्दी और धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है मैंने, मिर्च थोड़ी मैंने कम ही रखी है, सिंपल ही बनती है ये सब्ज़ी भी, इसमें भी प्याज वगैरह नहीं पसंद करते हैं। उसके बाद आलू डाल दूँगी और जो हमने बड़ी भून के रखी है उसको भी डाल देंगे और पानी अपने हिसाब से आप जो भी जितना भी रखें। मेरे यहाँ से सब्ज़ी को ग्रेवी वाली पसंद करते हैं, अच्छी सी मतलब रसीली हो सब्ज़ी, पानी वाली ऐसी पसंद करते हैं। तो बस थोड़ा सा पानी अभी इसमें और करूँगी मैं और यहाँ पे नमक डाल के सब्जी को पकने के लिए छोड़ देंगे ढक कर के। फटाफट आटा भी मैं लगा के साथ के साथ रख दूँगी, फिर जब खाना खाएंगे तब उसके बाद तभी सेकूँगी। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ कमरे में अंदर, यहाँ की राघव और कृष्णा दोनों ही बैठे हैं, कृष्णा बैठा है साइड में, ये वीडियो में नहीं आता है बदमाश, तो इसको मैं मतलब एप्पल दे रही हूँ दोनों बच्चों को। बीच का टाइम है ये, अब मेरी रोटी सिकी नहीं है उससे पहले का, बस इसके बाद मुझे रोटियाँ सेकनी है, सब्जी भी तैयार हो जाएगी इसी बीच में। और यहाँ पे देखिए ये आ गया है बीच में, उसकी चोटी छेड़ रहा है राघव की। और इधर हमारी सब्जी भी बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं सब्जी बहुत टेस्टी लगती है ऐसी सिंपल सी सब्ज़ी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला और हरा धनिया कटा हुआ, ये सब्ज़ी का स्वाद बढ़ा देता है। इस सब्ज़ी में ना हरा धनिया ना हो तो सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो सब्ज़ी तैयार हो गई है और अब सेक लेते हैं रोटियां। अब पका लेते हैं रोटी। बस खाना पीना हो गया था, खा भी लिया था और बाकी मेरी स्लिप वगैरह भी साफ़ हो गई थी। अब रह गया था लास्ट में दूध का काम, तो दूध में जो भी मुझे जामुन लगाना है बचेगा उसमें जामुन लगा दूंगी। सबसे पहले भोग के लिए निकाल दिया है ग्लास में, ये भोग वाला दूध ही पापा जी को चला जाता है। और जो मैंने लोटे में दूध निकाल के रखा है इसमें लगा दूँगी जामुन यानी दही जमा दूँगी। और बस और खाना बाकी सबका हो गया है, मेरा और इनका रह गया कि ये अभी आए नहीं हैं, तो मेरे कढ़ाई में सब्ज़ी वगैरह निकाल कर दी। अब ये है कि अब हम ये और हम खाएंगे तो ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे, फिर वो साथ के साथ बाद में हो जाएंगे साफ़। तो यहाँ पे दूध भी कर दिया है मैंने जो भोग का है, तो ये पापा जी को चला जाएगा। बस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड, काम हमारे ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, गुड नाइट।